आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एट द पॉइंट 1,4। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले देखना होगा टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखा जाता है। तो अगर हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया है कि एच कॉमा क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें टेंजेंट नॉर्मल ढूंढनी है, तो उसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट एच कॉमा के। ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप। और हमें नॉर्मल का स्लोप कैसा मिलेगा, माइनस डी एक्स डी वाई एट द पॉइंट एच कॉमा के। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है, फिर इसको माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। तो हम पहले इक्वेशन देख लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का टेंजेंट हो या नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या लेंगे, y माइनस h के पॉइंट पे दिया है तो y माइनस k इज इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप लेंगे। अब स्लोप किसका लेंगे, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप लेंगे, अगर हम नॉर्मल ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप लेंगे, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस h। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, वो टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो, उसके हिसाब से हमें स्लोप चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, 1,4 पॉइंट पे हमें इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हम पहले डी वाई डी एक्स को ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो डी वाई डी एक्स ढूंढने के लिए हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी एक्स। क्यों यहाँ पर डी वाई डी एक्स आया, क्योंकि हम y को डेरिवेटिव कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल अप्लाई करके हमें यहाँ पर मिला डी वाई डी एक्स। और राइट साइड पे यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16x है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 16 आएगा। अब हमें डी वाई डी एक्स ढूंढना है, तो 2y से राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 16/2y। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8y। अब हमें डी वाई डी एक्स कौन सी पॉइंट पे ढूंढनी है, पर्टिकुलर पॉइंट 1,4 है, तो 1,4 पे इसका वैल्यू ढूंढना है। तो डी वाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, एट द पॉइंट 1,4 8/y, मतलब y का वैल्यू प्लेस करेंगे 4, तो 8/4 दैट इज 2। अब हमें डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया है, मतलब हमें टेंजेंट का जो स्लोप था वो मिल गया, तो हमें माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल का भी स्लोप मिल जाएगा। नॉर्मल का स्लोप क्या है, माइनस डी एक्स डी वाई एट द पॉइंट 1,4। माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस वन होना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन का नियम होता है कि अगर टेंजेंट का स्लोप जो है वो हमारे अज्यूम कर लिया कि एम वन है, और नॉर्मल का जो स्लोप है वो अगर एम टू है, तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमें होना चाहिए। अब हम दोनों इक्वेशन को ढूंढेंगे, पहले टेंजेंट को ढूंढ लेते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन प्लेस करेंगे तो वाई माइनस के, एच का वैल्यू है 1, के का वैल्यू है 4, तो वाई माइनस 4, फिर स्लोप लेना है, टेंजेंट ढूंढ रहे तो टेंजेंट का स्लोप क्या मिला था हमें, 2। तो यहाँ पर मिल गया 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन लेंगे तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, एक साइड पे कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक साथ लेते हैं तो 4 2x इधर आया तो माइनस 2, माइनस 4 आया तो प्लस 2, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, नॉर्मल का स्लोप ढूंढना है, तो नॉर्मल यहाँ पर लेंगे हम, सेम ही इक्वेशन होगा, बस हमें स्लोप चेंज करना है। यहाँ पर 2 लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स, एक ही साइड पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x इधर आया, 8 इधर आया तो 9। तो ये जो इक्वेशन आ गया यहाँ पर, y को ठीक से लिख लेते हैं, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन मिल गया। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।